पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में जिला कृषि विकास औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के सिविल लाइन से पंचायत भवन में प्रदेश स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता में मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों के साथ 15 जिलों के बॉडी बिल्डरों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के संयोजक काशिफ खान, सह संयोजक इमरान उर्फ मोनू द्वारा ये जानकारी दी गयी। ब्रास सिटी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और जिला कृषि विकास औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी के द्वारा बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमे 55 किलोग्राम वेट से लेकर 95 किलोग्राम वेट के सभी बॉडी बिल्डर प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता 6 वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें हर वर्ग में विजेता प्रतिभागी चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुकाबला लड़े। इस पूरी प्रतियोगिता में मिस्टर मुरादाबाद, मंडल मुरादाबाद, मिस्टर अप, मिस्टर मसल्स मैन, यूपी बेस्ट पोजर के सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। इस पूरी प्रतियोगिता में 150 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी को एक स्मृति चिन्ह मेडल के साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और उनका हमेशा ये नारा था कि फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर हम आगे बढ़ें। उसी संदेश को लेकर प्रधानमंत्री जहां तीसरी शपथ उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में ली है, तो उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के बैनर तले प्रदेश स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें 12 प्रदेशों के बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया है। कई कैटेगरियों में ये प्रतियोगिता हुई है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लड़के को जो पुरस्कार दिए जाएंगे। मकसद सिर्फ यही है कि युवा नशाखोरी से को छोड़ें और सेहत की ओर आगे बढ़ें और हम सब मिलजुल कर फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा बने। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को यही संदेश है, हम सबका मकसद यही है कि हम सब बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ें, सेहत की ओर आगे बढ़ें। और मेरी प्रदेश और देश की सरकार से प्रार्थना है कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र को भी जो ओलंपिक में शामिल किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।